क्योंकि अवार्ड्स के जरिए जो अवार्डी होते हैं उनको इनकरेजमेंट मिलती है, जो उनको देखते हैं उनको इंस्पिरेशन मिलती है. एंड आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग जो बहुत मेहनत करते हैं, इंटेग्रिटी दिखाते हैं, टैलेंट दिखाते हैं, कि हम उनको फिलिसिटेट करें, अवार्ड दें, ताकि इट जस्ट बिल्ड्स दैट कॉन्फिडेंस एंड इट बिल्ड्स अ बंच ऑफ पीपल, इट बिल्ड्स अ कम्युनिटी. सो आई रियली लाइक टू थैंक इब्जा एंड ऑफकोर्स डार्लिंग हेतल हियर, यू नो, हु हैज़ पुट दिस टुगेदर. एंड कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द विनर्स एंड टू ऑल ऑफ दोज हु वांट टू विन नेक्स्ट टाइम. वेल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, ऑलवेज. बेसिकली हमने इस बार एस्टैब्लिश्ड लोगों को नहीं दिए अवार्ड्स, ऐसे लोगों को दिए हैं जिनको अब तक कोई रिकग्निशन नहीं मिली है, और उनको प्रोत्साहन के रूप में हम लोगों ने इधर अवार्ड्स दिए हैं. तो ये सभी महिलाएं अपने रूप में अलग है, बहुत मेहनत करती है, लेकिन कभी उनको रिकग्निशन नहीं मिली है, कभी वो ऑनर नहीं मिला है. और एज़ शी राइटली सेड कि सक्सेस अगर हमें मिले और उसका लोग मान रखें, सो अप्रिसिएशन बहुत ज़रूरी है, और इट गोज़ अ लॉन्ग वे एज अ मोटिवेटर. तो हमने ये इब्जा गोल्डन गर्ल अवार्ड इसीलिए रखे हैं अलॉन्ग विथ हीरा जवेरात, कि भाई ये लोग आए यहाँ, उनको ऑनर किया जाए, सम्मानित किया जाए, और लोगों को ऐसे प्रोत्साहन मिले कि वो अगले साल, अगर ये साल हमारे पास 102 नॉमिनेशन आए हैं, तो अगले साल वी हैव मेनी मेनी मोर. कहाँ से ये लोग आए थे? इंडिया, पैन इंडिया. कई सेलम से है, कोई कोयम्बतौर से है, गुवाहाटी से है, बम्बई से है. तो हमने ये हमारी ये कोशिश रही है कि केवल मेट्रो से ही सक्सेसफुल वुमेन आए, ये ज़रूरी नहीं है. ये दिखाना है कि हमारे देश के कई छोटे छोटे कोने में से भी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही है, और उनके लिए प्रोत्साहन के रूप में हमने ये अवार्ड रखे. मैम, आपसे जानना चाहूँगा, मुझसे अच्छा मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आप जो भी करना चाहते हैं लाइफ में, अपना 100% दे के ही करिए. आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, आपको हाउसवाइफ बनना है, आपको गर्लफ्रेंड बनना है, आपको माँ बनना है, आपको जो भी बनना है, आपका 100% देकर वो बनिए. You know, and entrepreneurship is wonderful. मैं खुद एक entrepreneur हूँ, और बहुत सारे challenges हैं. एक बहुत ही अलग दुनिया है, लेकिन एक बहुत ही fulfilling, challenging, satisfying दुनिया है. And for all of those who are getting into it, welcome to it. एक बात कहना चाहूँगी, पूजा बेदी को मैंने इसीलिए आमंत्रित किया क्योंकि वह हर तरह से एक परिपूर्ण नारी है. अपना business संभालती है, बच्चों का देखती है, खुद के लिए करती है. हम बोले ना, जैसे नारी तू नारायण. थैंक यू, वी आर वेरी हैप्पी टू हैव यू हर एज आवर चीफ स्पेशल सेलिब्रिटी गेस्ट, एंड वी होप टू सी मोर ऑफ हर एट इब्जा लेडीज. यू आर द इंस्पिरेशन टू ऑल द वुमेन, एंड वी हैव अनदर लेडी हियर हु हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन सेटिंग अप द गोल्डन गर्ल अवार्ड्स, रीना शुक्ला जी, हु हैज बीन हेल्पफुल ऑल थ्रू आउट. विदाउट हर ऑल्सो गोल्डन गर्ल अवार्ड्स वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. थैंक यू सो मच. थैंक यू एवरीबॉडी. बाय बाय. वाइस प्रेसिडेंट इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन इब्जा, जो भारत की सबसे पुरानी एक एसोसिएशन है, 104 साल पुरानी. आज हमें बहुत फख्र है और थैंकफुल टू इब्जा फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव
And I'm also thankful to all the jury members who selected me. And thank you Almighty, जिसने मुझे काबिल बनाया. ये जो journey थी मेरी from last 17 years, it was a long and a struggling journey. Starting from doing research in gold markets, studying very very minutely economic data, fundamental data, technical data, then preparing reports, blogs, writing articles, doing various other things, then also preparing various forecasting models, and lastly but not the least, then I completed my PhD, was awarded a doctorate degree on determinants of gold prices in different market scenarios. So ये जो मेरी हार्डशिप थी, फाइनली यू नो इट इज़ पेइंग मी ऑफ टुडे. आई एम वेरी हैप्पी होल्डिंग दिस अवार्ड इन माई हैंड. आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली एंड दोस्त हु हैव सपोर्टेड मी इन माई प्रोफेशनल कैरियर एंड दोस्त हु हैव हेल्प मी टू रीच एट दिस स्टेज वेयर आई एम होल्डिंग दिस एज अ मार्क ऑफ माई अचीवमेंट. थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैप्पी वुमेंस डे टू ऑल द वुमेन हु ब्रेक देयर बैरियर्स एंड क्रिएट हिस्ट्री. थैंक यू. I am the National Secretary of India Bullion Jewelers Association. Sir, what the Golden Girls Award जो हुआ क्या कहेंगे, किस तरह से आपने भागीदारी दिखाई? देखिए हमारी इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा उनके जो जो बायर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो महिलाएं ही हैं. लेकिन इतने सालों से महिलाओं को वो स्थान इस इंडस्ट्री में नहीं मिल पा रहा था जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए. और इसके लिए हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, 104 साल पुरानी संस्था है, हमने ये सोचा कि जो अपकमिंग और प्रॉमिसिंग वुमेन एंटरप्रेनर्स है हमारी इंडस्ट्री की, जिनको कभी भी इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला, उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए ताकि वो ताकि उनको एक रिकॉग्निशन मिले, उनकी समाज में हिस्सेदारी बढ़े, उनके लोग उनके काम को पहचाने, लोग जाने कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को जूझते हुए एक सशक्त महिला की तरह आगे बढ़ रही हैं. और इसीलिए हमने ये इवेंट का आयोजन किया था. और ये इवेंट अब हर साल होगा. हर साल हम 11 गोल्डन गर्ल अवार्ड को मनोनीत करेंगे. हमें इस बार 102 नॉमिनेशन मिले और 7 जूरी मेंबर ने इसमें से सिलेक्शन किया. आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 9 अवार्ड कॉमन अवार्ड थे, मतलब 9 जन को 7 जूरी ने एक साथ में सिलेक्ट किया था. सिर्फ 2 के लिए हमें वोटिंग करनी पड़ी थी. ये और हम चाहते हैं कि हमारी इस इंडस्ट्री में वुमन एम्पावरमेंट को एक अपना स्थान मिले. और मैं इसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहूँगा जो इतने साल तक हम लोग कर रहे थे. आज हमें जेंडर इक्वलिटी में हिस्सेदारी करके हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है. और हम आप सभी के, मीडिया के, हमारे सारे विनर्स के, हमारे सारे ज्वेलर्स के, सभी के आभारी हैं कि उन्होंने हमें और हमारे सारे स्पॉन्सर्स के आभारी हैं कि जिन्होंने हमें योगदान दिया और जिनके साथ की वजह से हम आज ये इतना बड़ा इवेंट कर पाए और उन 11 गोल्डन गर्ल्स को हम आइडेंटिफाई कर पाएँ जो हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आने वाले आगे के दिनों में निभाने वाले. थैंक यू. ऑफ दिस गोल्डन गर्ल्स अवार्ड, ये एक्चुअली गोल्डन गर्ल्स अवार्ड हमने इसलिए ऑर्गेनाइज किया कि एक एक्सक्लूसिव वुमन्स के लिए, जो वुमन एम्पावर है, उनको हाईलाइट कर सके और उनका एक्सक्लूसिव अवार्ड फंक्शन हमने ऑर्गेनाइज किया है. उससे वुमन्स को, जो भी अपकमिंग एंड प्रॉमिसिंग लेडी है, उनको इंकरेज मिला और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हमारा. पैन इंडिया से नॉमिनीज भी 102 नॉमिनीज आए हुए काफ़ी पैन इंडिया से, और इंटरनेशनल भी हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला. एंड नेक्स्ट ईयर डेफिनेटली वी आर डूइंग अ फ्रॉम नेक्स्ट ईयर वी आर डूइंग अ एवरी स्टेट एंड कंट्री वाइज वी आर ऑर्गेनाइज दिस सेम गोल्डन गर्ल्स अवार्ड. एंड उससे वुमन्स एम्पावर को इनकरेज मिल रहा है और वी आर वेरी हैप्पी फिर विथ ऑल द सपोर्ट्स ऑफ इब्जा एंड अवर इंडस्ट्रीज लीडर्स. Thank you so much. Thank you.